उसी समय की गन रखी हुई है। ऐसी गने चलती थी पहले, देखो इसमें तलवार रखी हुई है राजा की। क्या बोला बिल्ले हैं दोस्तों, पहले ऐसे बिल्ले लगाते थे कभी में। ये उसी समय के नोट हैं, 100 का है और 10 का है। ये भी बल्टी के जो बिल्ला है नेताजी के, और ये नेताजी के शेर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बोस फैमिली, ये लिखा हुआ बोस फैमिली, बोस परिवार। ये पूरी नेताजी की फैमिली है। ये भी एक तिरंगा है जिसमें गांधी जी का चरखा दे रखा है। ये प्रयागराजी का जन्म, ये नेताजी का रखा हुआ है, उसी जमाने का है। इसमें नोट है और उनकी बुक वगैरह जो भी, नोटपैड डायरी वगैरह जो भी हुआ होता था उसमें, तो ये पूरा है। ये नेताजी की टोपी है उसी समय की, चाकू वगैरह रखा हुआ है, चाकू है, इनके बिल्ला है, भारत का तिरंगा है, और हमारी सेना का बिल्ला पहले ऐसा होता था, भारतीय सेना। और ये उसी जमाने की चेकबुक है, देखिए दोस्तों ये चेकबुक है। चलते हैं अब ऊपर, देखते हैं दोस्तों क्या है। ऊपर चढ़ते ही पहला देखिए आप लोग, जर्मनी ने भारतीय सैन्य टुकड़ी, ये नारा आ गया करो या मरो। उन्नीस में नारा दिया गया था करो या मरो, ये 1942 का आंदोलन है। अंडमान को छोड़ दिया, ये उसका बंगाल का अकाल नेताजी से। ये 13 अप्रैल 1919 में बना है ये। ये जलियांवाला बाग, एक नोटिस पर लिखा है, जलियांवाला बाग में लगी एक नोटिस पर लिखा गया। ये भी एक म्यूजियम, ये भी आप देखिए जाने क्या, दुर्गादास, रामदास। चलो देखते हैं म्यूजियम में, और चलो 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 चलो। कुछ यादगार पल ये भी लगे हुए हैं, इन्हें भी समझिए आप। युद्ध में भारत का योगदान,
इन लोगों ने युद्ध में हमारे भारत को सहायता की। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेते जाते हैं लाल किला पर झंडा फहराने के लिए। 11 अप्रैल 2015 विश्वास कितना कि किचनर अस्पताल में एक ही महिला नर्स ने हमारे पुरुषों को क्या कहा। देश को आजाद कराने की आशा में अनेक बहादुर सैनिकों ने अपनी जान दी, लेकिन युद्ध खत्म होने पर ब्रिटिश सरकार ने उनका इंडिया 1857-1957 यानी लक्ष्मीबाई की फोटो है। ये पुराना मैप है इंडिया का। ये मुगल का है, ये मुगल शासन जब होता बहादुर शाह जफर नाना साहब रानी लक्ष्मी बाई को यहाँ पे देखिए तलवार रखी हुई है। ये तलवार है और उधर देख रहे होंगे आप दूसरी तलवार है, उसकी म्यान रखी हुई है। ये देखिए तीर है धनुष है। तो पहले के ज़माने का देखो धनुष कैसे था, धनुष पहले ऐसा चलता था। पहले का धनुष ऐसे होता था, तो उसको देखिए यहाँ भी तलवार रखी हुई है। दोस्तों एक देखिए तोप के गोले ये तलवार है, ये तोप के गोले रखे हुए हैं। देखो दोस्तों ये तोप के गोले हैं, ये उनके कपड़े हैं। ये बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं, बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं। ये जफर की बीवी के वस्त्र, ये जफर की बीवी के बेगम के वस्त्र। दिल्ली पर कब्जा, शाह जादव के दिन दाड़े हत्या। ये इनकी पूरी फौज है, दिन दाड़े जब मारा गया मथुरा आगरा और इटावा। ये लखनऊ का अंतिम युद्ध, ये जो युद्ध हुआ उसी का है। पढ़ लेना आप लोग।
ये हमारा पूरा लखनऊ। चलो दिल्ली आ गए हम तो दिल्ली। उसी समय की गन रखी हुई है, ऐसी गने चलती थी पहले, देखो ये गने होती थी। चलो भाई ये देखो, पहले गने हैं, चाकू है, ये उसी समय की कुल्हाड़ी, ये राइफल है, राइफल इधर की साइड में, पिस्तौल उधर, राइफल। यहाँ बैठते थे राजा इसके ऊपर। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे या नहीं, सही शीशा लगा हुआ है तो सही से दिखाई नहीं दे रहा। आपको यहाँ से दिखाई देगा दोस्तों, मेरे को उधर से सूरज की परछाई आ रही थी तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। ये राजा की गद्दी थी, यहीं बैठ के वो इधर के सामने सब जनता बैठती थी, आम जनता यहीं पे बैठ के वो अपना जो उनका न्याय पंचायत फैसला जो भी अपना होता था वो सुनाया करते थे। तो सामने दूसरा किला बना हुआ, वहाँ जाने के लिए रास्ता दिया हुआ। ये देखिए राजा वहाँ बैठते थे सामने, और ये पूरा इधर में उनकी पूरी सभा लगती थी। ये शायद किसी रानी आने का होगा, फिर उसके चारों तरफ वाटर रहता होगा, बीच में महल था। ये देखिए आप लोग, ये दोस्तों कुआं है उसी समय का, ये कुआं है। सीढ़ियाँ कहाँ हैं, अच्छा दोस्तों ये हैं जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ, ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से जा सकते हैं ऐसे, ये है, बहुत गहरा है, देख रहे हैं आप, ये उसी समय का है कुआं, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, ये उनका है राज दरबार। शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया जब मुगल शासन था। ये देखिए आप लोग, ये देखिए शाहजहाँ ने बनवाया था जब हमारे भारत पे मुगल शासन का कब्जा था। ये सुरंग नहीं है, बादशाह का खास महल था ये, महल में प्रवेश करने के लिए। ये भी सुरंग है क्या, सुरंग है, अच्छा ये महल में प्रवेश करने के लिए एंट्री गेट, ये गुप्त गेट है, ये पूरा ऊपर महल है। ये देखिए आप, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, शायद गेट खुला हुआ है क्या, बंद है। ये इनका वाटरफॉल, बता रहे हैं कि जमुना से पानी आता है इसमें था, बिना जमुना से पानी आता था इसमें, हो सकता है भाई। राजगांव की आप देखिए पुराने उसी समय की डिजाइन बनी हुई है सब, आज तक कभी नेचुरल चीज है भाई साहब, देखिए अभी भी नेचुरल चीज है उसी जमाने की।
गेट है किसी डिजाइन से खुलता होगा, गेट है कैसे खुलता होगा कैसे। चलो दोस्तों अब एग्जिट करते हैं। यहाँ कुछ और चलो है।